हेलो दोस्तों, मैं अंकित रोजगार विद अंकित चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आप सब लोग तो अच्छे ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ क्लॉक यानी देखिए घड़ी की सुइयों की दिशा, इसको मेनली तो ये है। अपने पास से ये चैप्टर मैंने बनाया, पर इससे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कई बार क्लॉक के चैप्टर में ही दिया हुआ होता है या डायरेक्शन के चैप्टर में मिल जाता है, तो मैं कहता हूँ ये मैंने अलग ही चैप्टर मान लिया। घड़ी और दिशा दोनों एक साथ मिला करके क्वेश्चन बनता है, और ये मुश्किल चैप्टरों में आप मान सकते हो, इसको मुश्किल चैप्टरों में गिनते हो रीजनिंग के में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे तो ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें बस घड़ी का थोड़ा सा, 3 बजे हैं, अब आपको पता होना चाहिए 3 कैसे बजते हैं घड़ी में, है ना। ये चित्र बना हुआ नहीं आएगा, ये आपको खुद सोचना है। तो उसकी मिनट की सुई उत्तर दिशा में दिखती है 3 बजे, घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा में दिखती है, तो घंटे की सुई किस दिशा में दिखेगी? देखिए वास्तविक डायरेक्शन हमारी क्या होती है, जो हम मानते हैं उत्तर, ऊपर मानते हैं, एन लिख लीजिए, जिनको एन की आदत है, उत्तर, दक्षिण, और सीधे हाथ पे हमेशा पूरब होता है, उल्टे हाथ पे हमेशा पश्चिम होता है। ठीक है, तो अब इसने सवाल में क्या दिया है, 3 बजा लो। पहले घड़ी ऐसी बनाओ जिसमें 3 बज रहे हो। मैंने बना ली, ठीक है, मैंने और नहीं लिखे 10 11 लिखूंगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, क्यों लिखूं, है ना। 3 बजा दिए, तो घड़ी की मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। अब इसमें मिनट की कौन सी है मालूम होगा ना, इतना तो कि मिनट की सुई है जो 12 पे जा रही है। तो आप ये जो बीच का पॉइंट है ना, ये जो बीच का है, इसको यहां मानो, और ये जो ऊपर है ना, ये मिनट की सुई है। इसने किस दिशा में बताया है, इसको मिनट की सुई उत्तर दिशा में जाती है। तो आपको अगर ये दक्षिण बोलता हो, मिनट की सुई दक्षिण में, तो मैं दक्षिण लिख देता हूं ऊपर, ठीक है, तो मैं उस दिशा को ऊपर लिखूंगा जो ये बोलेगा। ठीक है, अब ये कहता घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, घंटे की, तो मैं इधर मानता उत्तर, ठीक है, इस साइड में, दक्षिण इसके अपोजिट साइड में हो जाता। तो अब आप मुझे बताओ दक्षिण किधर होगा, दक्षिण नीचे होगा, और ये तुम्हारा जो चार्ट है ना, ये बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही मैच कर रहा है। तो उत्तर ऊपर, दक्षिण इधर, अब पूरब किधर होगा बताइए, ये तो बिल्कुल इसी चार्ट पर, तो पूरब इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा पूरब को अपने मुंह के सामने जब भी करते हो तो सीधे हाथ पे पूरब को, सॉरी उत्तर को जब भी अपने मुंह के सामने करते हो यहां खड़े होके, तो सीधे हाथ पे हमेशा पूरब होना चाहिए, ठीक है, ये आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखिए आपकी मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, हाँ, तो घंटे की सुई किस दिशा में, इस दिशा में, ये दिशा कौन सी है, पूरब। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूरब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, 4:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई पूरब दिशा में है, तो 4:30 ये बज रहे, 4:30 ऐसे ही बजते हैं ना, मिनट की सुई कौन सी है, मिनट की सुई है ये, तो ये कौन सी दिशा में है, पूरब में। देखिए अगर आपने दिशा का चैप्टर नहीं देखा है, घड़ी का नहीं देखा है, तो मैंने वीडियो बना रखा है उन पे, वो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे वो चैप्टर। और मात्र एक एक वीडियो बनाया है, दिशा में तो एक ही बनाया है, उसी में सब कुछ क्लियर कर डाला। ठीक है, तो देखिए, तो ये दक्ष, ये क्या बोल रहा है कि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो इधर दक्षिण मान, वो सॉरी पूरब मान लो, पूरब दिशा। तो तुम कहो जी यहां बनाए चार्ट या यही ना बना दे, तो चलो यहां बना दो, पूरब दिशा ये हो जाएगी, तो ऊपर कौन सी हो जाएगी बताओ मुझे, पश्चिम हो जाएगी कि नहीं होगी, क्योंकि पूरब के अपोजिट साइड ही होगा हमेशा पश्चिम। अब बात आती है उत्तर दक्षिण किधर माने, उत्तर इधर माने या उत्तर इधर माने, समस्या ये है अब हमारे सामने। तो अब अगर आप उत्तर इधर मान रहे हो, तो यहां खड़े होकर देखो और उत्तर की ओर को मुंह करो। अगर यहां तुमने उत्तर मान लिया, तो यहां खड़े होके उत्तर की ओर जब मुंह करोगे, तो सीधे हाथ पे पूरब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या खड़े हो सोचो, इधर को मुंह कर रखा तो सीधा हाथ तो उधर जाएगा, तो ये तो पश्चिम पड़ रहा सीधे पे, गलत चार्ट। ठीक है, तो उत्तर इधर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरब से बदल नहीं सकते आप, उसने बोल दिया। अब बात रहती है इनको मानने की, यही मेन बात है, और इसमें इन सवालों में तो उत्तर किधर माने और दक्षिण किधर, ये समझ में आ गया ना अब, क्योंकि देखो अब पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो आप, यहां खड़े हो, इधर मुंह कर रखा है, तो पूरब नहीं सॉरी उत्तर की तरफ, उत्तर इधर माना, तो सीधे हाथ पे पूरब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताइए, पूरा उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होना है, तो सीधे हाथ पे पूरब पड़ गया। ठीक है, जब आपका ये पड़ गया,
तो फिर अब छोटी सुई बताने में कोई दिक्कत नहीं, घंटे की सुई की दिशा बताने में, घंटे की सुई ये रही, ये किस दिशा में है, इन दो दिशाओं के बीच में, कौन कौन सी, उत्तर और पूरब। तो घंटे की सुई किस दिशा में हो जाएगी, आपका आंसर है उत्तर पूरब। ठीक है, क्लियर हो गया, मैं समझता हूं, कोई समस्या नहीं है। अगर ये पूछता 10:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 10:30 बजे, तो घंटे की सुई यहां होगी 10:30 बजे, तो पहले 10:30 बजाओ तो सही, घंटे की सुई ये दिशा होगी, कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 10:30 बजे है घड़ी में, बजा रखे हैं ना मैंने पहले ही, थोड़ी सुइयां टेढ़ी हो गई, इतना एडजस्ट आप कर लेना। उसकी घंटे की सुई पूरब दिशा में है, अब बड़ा खतरनाक सवाल बन गया। अब तक हम पूरब ऐसे मानते थे एकदम सीधे सीधे ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन ये देखिए तिरछी दिशा में हमें, सॉरी तिरछी में नहीं है, पूरब किधर मानना है, मिनट की सुई की दिशा, उसकी घंटे की सुई पूरब की ओर इशारा करती है। भाई ये तो घंटे की ओर ही मनवा रहा है पूरब, तो मैं इधर पूरब मान लेता हूं घंटे की सुई की दिशा। देखना अब आप, अगर पूरब आप यहां मानोगे, यहां मानोगे, तो पश्चिम यहां मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, बताओ। पश्चिम दिशा ये हो जाएगी, अगर पूरब ये है तो उत्तर किधर होगा, बताओ, उत्तर तो पूरब से ही आएगा आपका। अब उत्तर दिशा कौन सी होगी आप बताइए, ऐसे आएगा इसका चार्ट, पूरब यह है तो पश्चिम मिलके सामने एकदम, अब उत्तर दक्षिण भी तो 90 डिग्री पे बनेंगे ऐसे, तो उत्तर बताइए। अगर मैं इधर उत्तर मानू, फिर देखो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो, सीधे हाथ पे पूरब पड़ रहा है कोई नहीं, पश्चिम पड़ रहा है, तो उत्तर इधर मानो, उत्तर ये रहा, दक्षिण ये रहा। अब कोई समस्या नहीं है, अब इस सवाल को आप चुटकियों में हल करोगे। ठीक है, तो ये हो गया घंटे की सुई। अब ये चार्ट जब बन जाए, फिर बहुत आसान सवाल है, तो 3:30 बजे मिनट की सुई की दिशा। अब 3:30 कैसे बजेंगे, 3:30 तो छोटी सुई तो यहां रहेगी, ये तो घंटे की है, और मिनट की कहां आएगी, इसी दिशा में आएगी कि नहीं आएगी, मिनट की तो यही रहेगी ना, तो ये कौन सी दिशा है, इन दोनों के बीच की, तो कौन कौन सी दिशा है ये, उत्तर पश्चिम आपका आंसर होगा इस सवाल का, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मत घबराओ, अगले अगले क्वेश्चनों में आता रहेगा, उतने ही निखरते रहोगे जितने क्वेश्चन मैं बनाता रहूंगा, मैंने क्वेश्चन बहुत बना रखे हैं। यदि घड़ी में 5:00 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, 5:00 बजे, 5 कैसे बजेंगे वैसे, 5:00 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये मैंने गलत बजा ली दोस्तों, 5:00 बजे मुझे बजाना चाहिए था, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में देखनी थी, तो 5:00 बजे मैं आपको सीधा ही ये ना कह दूं, 5 ऐसे बजेंगे घड़ी क्यों बनाऊं, वो तो मुझे भी थोड़ा सा तो आइडिया हो ही गया है ना, तो 5 करीब ऐसे बजते हैं तुम्हारे घर पर घड़ी में या नहीं, हमारे यहां तो ऐसे ही बजते हैं, आपके यहां भी उम्मीद करता हूं ऐसे ही बजते होंगे, इधर तो 5 कभी नहीं बजते होंगे, इधर तो 7 है, 6 बीच में है, है ना, तो मिनट की सुई यही रहेगी, तो ये 5:00 बजे मिनट की सुई किस दिशा में है दोस्तों, दक्षिण में। ठीक है, ये मैंने 1:30 जो है इसके हिसाब से बजा दिया, गलत बजा है, आप इसको छोड़ो। ठीक है, 5 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे, ये घड़ी है, गोल कर दूंगा तो घड़ी बन जाएगी, तो 5 ऐसे ही बजेंगे, आप सुइयों पर दिशा ध्यान दीजिएगा बस, है ना, और उत्तर किस दिशा में होगा फिर, उत्तर बताइए मुझे, उत्तर नीचे होगा, बिल्कुल नीचे होगा, क्योंकि दक्षिण के अपोजिट उत्तर रहेगा हमेशा, और ये जो दिशा होंगी ये दोस्तों पूरब और पश्चिम होंगी। अब बताओ पूरब किधर पश्चिम किधर, ये आप उत्तर है आपका, इधर मुंह करके खड़े हो जाओ, सीधा हाथ किधर पड़ेगा, यहां खड़े हो आप, इधर मुंह करके सीधा हाथ पड़ेगा इधर, और सीधे हाथ पे हमेशा पूरब होगा अगर आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो। तो चारों दिशा कन्फर्म हो गई, कोई समस्या नहीं, चारों दिशा कन्फर्म हो गई। 5:00 बजे पूछता तो मैं दिशा बता देता, 5:00 बजे घंटे की सुई की ये दिशा है, पर उसने ये नहीं पूछा, उसने बोला 1:30 बजे चाहिए उसको घंटे की सुई की दिशा। अब 1:30 कैसे बजेगा, 1:30 तो ऐसे बजेगा, 1:30 अरे इधर बजेगा 1:30, तो इसमें मेरी 1:30 तो बजा रखा है हमने, तो 1:30 ऐसे बजेगा, छोटी सुई तो होगी यहां, जो बड़ी बन जाएगी यहां से, तो ये छोटी ऊपर तक ज्यादा मत लेके जाओ नहीं तो पहचान नहीं होगी, तो 1:30 ऐसे बजेगा ना दोस्तों, बड़ी सुई ये रही और छोटी ये रही, तो छोटी किस दिशा में होगी वही पूछी, घंटे की है ना, तो किस दिशा में होगी ये, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर है। कोई समस्या हो तो बताओ, आप अपने आंसर में लाते रहना,
ठीक है, खुद करके देखो इसको, वीडियो पॉज करो और फिर मेरे से आंसर मिलाना। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पॉज कर लिया होगा। चलिए करते रहिए। यदि घड़ी में 4:30 बजे मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, तो 4:30 बजे देखो ये बजा रखे मैंने, 4:30 बजा रखे कि नहीं बजा रखे, बिल्कुल ऐसे ही बजेंगे। अब ऐसे ही बजेंगे, 4 यहां हो जाएगा, 5 यहां हो जाएगा, दोनों के बीच में है बड़ी सुई, तो 4:30 बजे मिनट की सुई पश्चिम में हो गई। तो इधर पश्चिम मान लो, मिनट की तो यही है ना बड़ी वाली, और ऊपर क्या होगा इससे अपोजिट साइड उत्तर, वो सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूं, पूरब में है ना, पश्चिम का उल्टा पूरब। अब मुझे दिशा बताइए ये वाली कि इधर कौन सी और इधर कौन सी, बताओ उत्तर किधर होगा। आप तो उत्तर को देखते हैं ना, तो सीधे हाथ पे पूरब को पड़ेगा। जब उत्तर इधर मानोगे, यहां खड़े हो आप, उत्तर इधर मानो, सीधे हाथ पे पूरब तभी आएगा। तो उत्तर, दो दिशा तो हमें पता लग जाती है देखते ही, क्योंकि एक तो वो देगा, एक उसके अपोजिट वाली, और ये दो हमें माननी पड़ती है उत्तर और पूरब के आइडिया से, ठीक है ना। चलिए अब आप ये देखिए, 4:30 बजे आपने बजा लिए हैं। अब उसने बोला है कि घड़ी को 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त पता है दोस्तों क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक, 135 डिग्री घुमाना है। घुमाने के बाद 9 बजे घड़ी की घंटे की सुई किस दिशा में होगी। जब भी ऐसा सवाल आए घुमाने को और फिर पूछे इतने बजे कितनी होगी, तो पहले आप ये 9 ही बजा लो घड़ी में, 9 बजा लो। अच्छा 9 कैसे बजेंगे, और मुझे 9 बजे ये बता दो, घंटे की सुई पूछी है ना इसने, तो 9 बजे घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, ये होगी ये वाली दिशा। कौन सी दिशा ये, उत्तर। 9 तो ऐसे ही बजेंगे, 9 ऐसे बजेंगे तो घंटे की सुई की दिशा क्या हो गई, उत्तर। तुम कहोगे 135 तो आपने घुमाया ही नहीं, अब इस 9 वाली सुई को ही मैं घुमा रहा हूं, बस इस सुई को घुमा लो, क्योंकि आपने सिर्फ छोटी सुई तो पूछी है, तो पूरी घड़ी घुमाओ, या छोटी सुई भी तो उतना ही घूमेगी जितनी घड़ी घूमेगी। तो आप छोटी सुई को 135 एंटी क्लॉक घुमा लो, तो छोटी सुई ये रही। एंटी क्लॉक कैसे घुमाऊंगा, ये तो क्लॉक है, ऐसे तो क्लॉक चलेगी, और एंटी क्लॉक कैसे चलेगी, उसके अपोजिट ऐसे इधर को। तो 135 कितना होगा दोस्तों, देखिए ये यहां से यहां तक 90 होता है कि नहीं होता, और फिर तुम कहो यहां तक ये एक और 90 हो जाएगा, 90 और 45 तो ये दिशा आ जाएगी, 135 होगा इतना कोण, इतना एंगल। तो 135 पे कौन सी दिशा आ गई, घंटे की सुई इस दिशा में होगी, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर भी दक्षिण पश्चिम दोस्तों, कई सवालों का लग रहा है मुझे यही आ रहा है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, दोबारा देख लेना अगर नहीं आ रहा हो समझ में, तो बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश किया है, बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। ठीक है, घड़ी में 7:30 बजे, खुद करिए इसको, खुद करिए, बिल्कुल पांचवे की तरह लिखा है मैंने ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। 7:30 बजे घंटे की सुई उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम दिशा बताती है, 7:30 बजे, 7:30 ऐसे बजते हैं ना दोस्तों, 7:30 अगर ऐसे बजते हैं तो मुझे बताइए जो घंटे की सुई है ना, ये दिशा कौन कौन सी है पता है आपको, उत्तर पश्चिम। अगर ये उत्तर पश्चिम है तो सीधी सी बात ये होगी कि इनमें से एक दिशा उत्तर है और एक पश्चिम है। अब आपको पहचान ये करनी है कि उत्तर कौन सी है और पश्चिम कौन सी है, तभी तो ये उत्तर पश्चिम बैठेगी। अब मुझे आप बताओ उत्तर पश्चिम, देखिए ओरिजिनल दिशा मैं आपको दिखा देता हूं, उत्तर येरी, दक्षिण येरी और पूरब येरी, पूरब सीधे हाथ पे होती है ना उत्तर से, और पश्चिम येरी। अगर मैं इसको करूं यहां पर, आप एक बात देखना कि उत्तर अगर ये लोगे तो उल्टे हाथ पे पश्चिम पड़ता है कि नहीं, तो आप उत्तर की तरफ खड़े होकर देख लेना, अगर किसी ने उत्तर ये मान लिया तो उल्टे हाथ पे पश्चिम पड़ना चाहिए, तो ये पश्चिम बढ़ानी है हमें जरूर। तो अगर ये उत्तर है तो यहां खड़े होकर देखो, आप इस पॉइंट पे खड़े हो और इधर को मुंह करके खड़े हो इधर को, तो आपके उल्टे हाथ पे पश्चिम पड़ जाएगा क्या, अरे भाई ये है पश्चिम, क्या ये उल्टे हाथ पे पड़ेगा, नहीं, इधर तो आपका सीधा बन जाएगा, तो ये तो पूरब मान लिया जाएगा, फिर तो ये उत्तर पूरब दिशा में आ जाएगी, गलत हो जाएगा, हमें तो ये उत्तर पश्चिम ही बनानी है। तो आप जानिए कि ये उत्तर दिशा होगी और ये पश्चिम दिशा होगी, क्योंकि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो उल्टे हाथ पे पश्चिम होना चाहिए, तो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो और पश्चिम उल्टे पे आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इसमें कि उत्तर इधर मान जाएंगे पश्चिम उधर,
ठीक है, अब मत करना गलती, क्योंकि उत्तर उस तरफ मानना जिधर उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम पड़ जाए। तुम यहां उत्तर मानोगे तो पश्चिम फिर सीधे हाथ की तरफ मानना पड़ जाएगा, जो कि गलत है। पश्चिम हमेशा उल्टे हाथ की तरफ होता है चार्ट में, ठीक है। तो दिशा तो निर्धारित हो गई, बस दिशा ही निर्धारित करना था। आगे सवाल बहुत आसान है, 90 डिग्री बाद में ही घुमाऊंगा, पहले 6 बजा लेता हूं। तो 6 बजे कौन सी सुई पूछी है, मिनट की। तो मिनट की सुई कहां होगी 6 बजे, यहां होगी कि नहीं होगी बताइए मुझे। मिनट की सुई ये रही ना, मिनट की सुई है 6 बजे, तो छोटी सुई ये रही और बड़ी ये रही, ये मिनट की है ये। अब ये 90 डिग्री घुमा दो, सिर्फ इस सुई को देखना, आप पूरी घड़ी को देखना ही नहीं है मुझे, और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉक तो ऐसे चलती है, तो इधर को घुमा दो 90, यही होगा ना, तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी बताओ, उत्तर की उल्टी, दक्षिण दिशा है ना इधर, और ऊपर होती तो कौन सी दिशा होती, पूरब। तो आपका आंसर क्या आ गया, दक्षिण दिशा, ठीक है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को बताने में, पर होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, मतलब इसी क्वेश्चन को, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन है, यही टाइप है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ओके, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो जरूर आप दोस्तों तक शेयर करेंगे, और दोस्तों मुझे कमेंट जरूर किया करो। अगर आपको वीडियो जैसी भी लगी है, बुरी लगी है तो बुरी कमेंट करो, बावली लगी है तो बावली करो, और अच्छी लगी है तो अच्छी जरूर लिख दो, है ना। ज्यादा लंबा नहीं लिखा जाता हो तो बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसे लिखते हो तो मेरा हौसला काफी अच्छा मुझे लगता है, और काफी मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा बनाऊं, ठीक है। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।